बीते दिन एक पुलिस आरक्षक के साहस और सजगता के कारण सोने की चेन झपटने वाले तीन बदमाश घेराबंदी कर पकड़ लिए गए। घटना देवास रोड स्थित इस्कॉन मंदिर के पास की है, जहां एक एक्टिवा पर सवार तीन बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने की चेन झपट ली। वारदात के दौरान आरक्षक राहुल कुशवाहा मौके पर मौजूद था, जिसने यह पूरा घटनाक्रम देखा और बदमाशों का पीछा किया। बदमाशों ने आरक्षक पर फायर भी किए। इस दौरान आरक्षक ने पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना भी दी और बदमाशों के पीछे लगा रहा। एडिशनल SP व अन्य पुलिसकर्मी भी तुरंत बदमाशों की घेराबंदी में जुट गए। बंदी से बचने के लिए बदमाश हरी फाटक ब्रिज के पास स्थित खेतों की ओर भागे, जहां पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। पुलिस से बचने के लिए एक बदमाश ने खुद को चाकू मार लिया। तीनों बदमाश के पास से पुलिस ने एक पिस्तल, दो चाकू, मोबाइल, नकदी व महिला से छीनी गई सोने की चेन भी बरामद कर ली है। मुख्य आरोपी इंदौर का रहने वाला बताया जा रहा है। घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वहीं शेष आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस को अंदेशा है कि पूछताछ में कई और वारदातों के खुलासे होंगे। वहीं साहस और सजगता का परिचय देने के कारण उज्जैन SP ने आरक्षक राहुल कुशवाहा को 10,000 रुपये नाम देने की बात कही। ये लगभग 3:30 बजे की घटना है, जब तीन बदमाशों द्वारा एक महिला की चेन स्नैचिंग की गई, जो इस्कॉन जो मंदिर है, टेंपल है, उस रोड पे उसके नज़दीक की गई। उसी समय पर वहाँ पर एक हमारा कांस्टेबल मौजूद थे, राहुल कुशवाहा। उनके द्वारा ये घटनाक्रम देखा गया और तत्काल ही उनके द्वारा आरोपियों का पीछा किया गया। आरोपी तीन थे, जो एक दो पहिया वाहन पे भाग रहे थे और उनके पास हथियार भी थे। उनके द्वारा पिस्टल से फायर भी किए गए, जो सिपाही उनका पीछा कर रहा था उस पर, लेकिन सिपाही द्वारा लगातार उनका पीछा करते हुए कंट्रोल रूम को सेट पे पॉइंट दिया। सेट पे पॉइंट मिलने के पश्चात हमारे एडिशनल SP सिटी श्री रुपेश और साथ में टीम अन्य अधिकारी लगातार उनके पीछे रहे और घेराबंदी की। घेराबंदी करने के पश्चात हरी फाटक ब्रिज के नज़दीक जो खेत बने हुए हैं, वहाँ पर पुलिस ने घेरा और आरोपियों को वहाँ से पकड़ा है। तीनों आरोपियों को पकड़ा है। उनके पास से हथियार बरामद हुए हैं। एक पिस्टल, देसी कट्टा जो है, कंट्री मेड मिला है। साथ में दो चाकू उनके पास से बरामद हुए हैं। जो चेन महिला की छीनी गई थी, स्नैचिंग करी थी, वो भी उनसे मिला है। साथ में कुछ मोबाइल और कैश इनके पास से जब्त हुआ है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। मुख्य जो आरोपी है वो इंदौर का रहने वाला है और वर्तमान में ये नागदा में रहते हैं, ऐसा इनके द्वारा बताया गया है। और तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इनका पूर्व का अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो संबंधित जिले थाने से वो मंगवाया जा रहा है। मुख्य इसमें ये बात रही कि जो सिपाही है पुलिस का, राहुल कुशवाहा, उसके द्वारा काफ़ी साहस का परिचय दिया। आरोपियों द्वारा फायरिंग लगातार की जाती रही, लेकिन उसने पीछा नहीं छोड़ा और घटना के पश्चात से ही पीछे लग के पूरी टीम ने घेराबंदी करके आरोपी को पकड़ा। जो एक आरोपी है उसके द्वारा, जब पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई, तो उसने जो स्वयं के चाकू से अपने पेट में छोटा सा घाव मारा है, जिसका इलाज कराया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, ये काफ़ी रेयर होता है कि इतनी साहस का परिचय देते हुए केवल एक सिपाही हथियारबंद बदमाशों के पीछे लगे और घेराबंदी करके मैसेज कंट्रोल रूम को पहुंचा के उनको पकड़वाने में मदद कराए। 10,000 की जो नगद राशि है वो उसको आरक्षक के लिए दी जाएगी।